वही राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर गोमतीनगर लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कि लोहिया जी हमारी विरासत में हैं और हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। लखनऊ से संवाददाता रेहान की रिपोर्ट। ये बहुत ईडी को लेकर के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर के, सीबीआई को लेकर के बहुत दिनों से बहस चल रही है और देखने को ये मिला है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो चर्चा शुरू हुई है, जिस तरीके का इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर करके वसूली हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया। जब खुलासा हो गया उसके बाद जानबूझ करके न्यूज को बदलने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी क्या कह रहा है विभाग, और अभी उनका पक्ष भी अपनी बात कहेगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जिस कंपनी ने आरोप लगाया है, जो स्कैंडल है, उसने भी भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरी तरीके से कोई पैसा चंदा ले तो वो खराब बात है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से वसूली ठीक बात है। तो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में दिखाई दे रही है, उस वसूली को छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पे इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि इस मामले में न्यायालय न्याय देगा और बहुत जल्दी ऐसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो जनता जान जाएगी।